नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंजूत्रा। बिहार के बाद केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हरियाणा में भी युवाओं ने बवाल खड़ा कर दिया है। हरियाणा के पलवल में योजना के विरोध में युवाओं ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, 4 गाड़ियां तोड़ दी गई, वहीं पुलिस की 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसी के साथ जमकर पथराव भी किया गया है। अब इसको देखते हुए फरीदाबाद पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। फरीदाबाद पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रवक्ता की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी, सड़क जाम या फिर उपद्रव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्ती से निपटा जाएगा। पूरे फरीदाबाद में ताजा घटनाक्रम के संदर्भ में पूरे फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 के तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कहीं पे भी इकट्ठा नहीं हो सकते। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी पुलिस। फरीदाबाद पुलिस ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अलर्ट है, जिसकी हर जगह जो भी टीम होगी उनके साथ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी टीम भी होगी और इसमें पुलिस ने अपना पूरी तैयारी कर ली है। लोगों से अपील है इस तरह के उपद्रव में शामिल ना हो, ये सिर्फ मात्र अपील है। अगर कुछ हुआ तो फिर हम अपने तरीके से देखेंगे। सेकंड थिंग कि जो नेशनल हाईवे एक्ट के तहत अगर कोई रोड वगैरह जाम करने की सोचता है तो उसमें 5 साल की सज़ा है। सख्ती से पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, उसको सज़ा दिलवाएगी। और राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें।